नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन की अब हमारी क्लासे चल रही हैं और आप व्यूअर्स का प्यार मुझे मिल रहा है और इसी से प्रेरित होकर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। आपको आज मैं सिखाने जा रही हूँ केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से जो बनने वाले राजयोग या जो शुभता मिलती है। तो मित्रों, हमारे जो केंद्र स्थान है विष्णु स्थान है और जो त्रिकोण स्थान है वह लक्ष्मी स्थान है। आज इस वीडियो में जो लोग थोड़ा बहुत केंद्र और त्रिकोण के बारे में जानते हैं उनके भी कुछ भ्रम या शंकाएं मैं दूर करूंगी कि केंद्र के स्वामी, हम हमेशा कहते हैं कि शुभ फल देते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभता देते हैं, राजयोग देते हैं, इन दोनों के संबंध राजयोग देते हैं, तो फिर उनको अशुभ फल क्यों प्राप्त हुआ? तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपको कैसा फल देते हैं। तो आज का हमारा विषय केंद्र और त्रिकोण के स्वामी क्या सदैव शुभता देते हैं, राजयोग देते हैं? तो अपने सभी व्यूवर्स को मैं बता दूं, मैं अगले हफ्ते से आपके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास जो लाइव आप मेरे साथ ले सकते हैं, 15 क्लासें होने वाली हैं, जहां मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी फलित के साथ साथ नवांशा भी पढ़ाऊंगी, यानी नवांशा की भी बेसिक जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9810411384 पर या मेल कीजिए aroranimmi2013@gmail.com पर। तो आते हैं आज के विषय पर, राजयोग केंद्र या त्रिकोण। तो सबसे पहले जो व्यूवर्स केंद्र और त्रिकोण के बारे में नहीं जानते, जो अभी नए स्टूडेंट है सीख रहे हैं, उनके लिए जो हमारे ये 12 भाव कुंडली के हैं, इन 12 भावों में पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र का भाव कहलाता है और पहला भाव त्रिकोण भी है। पहला, पांचवा और 9वां भाव त्रिकोण है। केंद्र यानी विष्णु स्थान, त्रिकोण अर्थात लक्ष्मी स्थान। अब इन भावों में बैठे ग्रह आपको बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। यह हमने बृहत पराशर होरा शास्त्र में पढ़ा है और अन्य शास्त्रीय पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया गया है। आप देखेंगे कि मैंने जो केंद्र के स्थान बताए हैं आपको या सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल लाइट देन डार्क एंड डार्केस्ट, ये इस तरीके से मैंने इसे दर्शाया है। इसका अर्थ है केंद्र में बलि केंद्र लग्न है, लेकिन लग्न से बलि चतुर्थ भाव केंद्र का, सबसे बलि लगन, लगन से बलि चतुर्थ और चतुर्थ से बलि सप्तम और सप्तम से भी बलि दशम भाव है। यानी केंद्रों में भी जो बल का प्रभाव है, किस केंद्र का सबसे अधिक है वो आप देखें तो वह कर्म का भाव अधिक बलि है। लगन तो व्यक्ति स्वयं है जो अपने भाग्य से लेके इस जन्म में आता है, तो वो शुभता लेके लगन में आता है। मेरे जीवन में जो शुभता है वो लगन देगी, ठीक है? तो लगन बलि है, केंद्र में स्थित होने से यदि लग्नेश है तो बलि है, और चतुर्थेश उससे भी अधिक केंद्र स्थान है, चतुर्थ और चतुर्थेश, यदि चतुर्थ में हो तो चतुर्थ बलि हो जाता है। लेकिन यदि सप्तम या दशम में कोई स्वराशि ग्रह हो
तो वह चतुर्थ से या सप्तम से या लगन से भी अधिक बली भाव होगा। इसी प्रकार से त्रिकोण में आप देखेंगे यहां लाइट ब्लू, देन उससे थोड़ा डार्क एंड अगेन फिर डार्क, तो इसके बल का पता लगता है कि त्रिकोण में हमारा पहला भाव जो बली है उससे भी अधिक बली, उससे अधिक शुभता हमें पंचम देता है, और पंचम से भी अधिक शुभता नवम भाव में बैठे ग्रह देंगे यदि वो त्रिकोण में स्थित है। तो केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह शुभता का बल भी बताते हैं, कितना बल है उसमें शुभता का। अब इससे हमें राजयोग कैसे मिलते हैं? केंद्र भाव हमें पता लग गया, यहां आप भाव देखेंगे राशि नहीं लीजिएगा, जैसे मैंने राशियां ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केंद्र की राशि कर्क है। आपकी कुंडली में कर्क राशि कहीं भी जा सकती है और यहाँ पे कोई भी ग्रह स्वराशि का हो सकता है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध यह राजयोग देता है। कैसे देता है? लगन केंद्र है, लगन के साथ यदि चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश या दशमेश स्थित हो, वो चाहे केंद्र के किसी भी भाव में हो या त्रिकोण के किसी भी भाव में हो, वह राजयोग में हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मंगल शुक्र के साथ यदि नवम में बैठा है तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया, राजयोग हो गया। शनि यदि सूर्य के साथ पंचम में बैठा है, यह भी राजयोग है। या शनि चंद्रमा के साथ इन केंद्र के स्थानों में कहीं भी उपस्थित हो, चाहे वो त्रिकोण में हो, बृहस्पति के साथ हो, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलकर राजयोग देते हैं और उस राजयोग का फल जीवन भर तो मिलता है, केवल इस प्रकार से कि आपको कोई शुभता परमानेंट मिल गई। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी योग कारक है, योग में स्थित है, तो आपकी माता का स्थान उच्चता का परमानेंट हो गया। यदि पीड़ित है तो माता भी पीड़ित हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लगन के साथ चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश, पंचमेश, नवमेश का संबंध, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध राजयोग देता है। ऐसे ही चतुर्थेश के साथ इन भावों के स्वामियों का संबंध, पंचमेश के साथ, नवमेश के साथ, दशमेश के साथ या सप्तमेश के साथ इन केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध आपको राजयोग देगा। राजयोग असल में फलित तब होगा या उसका असर आपको तब दिखाई देगा जब राजयोग में बैठा ग्रह उसकी दशा हो। ठीक है, तो अपनी दशा में वह अधिक फल देता है। कुंडली में ग्रहों के भाव की स्थिति देखो और शुभ ग्रहों के लिए सर्वोत्तम स्थान केंद्र और त्रिकोण है। शुभ ग्रहों के लिए जो सबसे अच्छे स्थान देखे जाने वाले स्थान है वह केंद्र और त्रिकोण है। केंद्र में स्थित ग्रह यदि स्वग्रही हो, उच्च के हो, तो वह समृद्धि भी देते हैं और महापुरुष योग भी बनाते हैं। जैसा कि इस उदाहरण चार्ट में देखें, केंद्र में यानी लगन के केंद्र में शुक्र स्वराशि का है, शुभ ग्रह है, तो वह राजयोग भी दे रहा है, महापुरुष योग भी बना रहा है। ठीक है, शुक्र का संबंध
राहु केतु से है। अब लगन जो है, हमने देखा था उसकी डेंसिटी, यदि हम 100% केंद्र के शुभता को देखें तो 25% हमें लगन की शुभता, 50% चौथे भाव की शुभता और 75% सप्तम भाव की शुभता मिलती है। 100% हमें दशम भाव केंद्र का, शुभ ग्रह का स्वामी शुभ भाव में, दशम भाव में हो तो 100 गुना अपना संपूर्ण राजयोग देता है। करेक्ट। केवल यह देख के खुश नहीं होना केंद्र में हमारा ग्रह बैठा है, स्वराशि है, तो हमारा ये नियम भी याद रखें, केंद्र में बैठकर स्वराशि के ग्रह अपना प्रभाव खो देते हैं, यानी अपनी नेचुरल जो उनका स्वभाव है उसको वो खो देते हैं, तो शुभ ग्रह अपनी शुभता को कम कर देगा, अपना बेनिफिक प्रभाव को वो और कम कर देगा या वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना मैं शुभ हूं ना मैं अशुभ हूं। अब अशुभता के प्रभाव में केतु भी आ गया। केतु किसके प्रभाव में आया? राहु के। राहु केतु अक्स है, क्योंकि केतु तो शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, तो केतु भी शुक्र के समान हो गया, यानी यह भी अब अशुभ नहीं रहा। तो जो अशुभ नहीं रहा वो शुभ हो गया, और जो शुभ नहीं रहा वह ना शुभ रहा ना अशुभ रहा, वह थोड़ा न्यूट्रल हो गया, यानी जो संपूर्ण रिजल्ट शुक्र के मिलने चाहिए थे वह पूरी तरीके से उसे शुभ फल नहीं मिलेंगे, केवल 25% मिलेंगे। क्यों? केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है और लगन हमारा त्रिकोण भी है। हमने अभी सुना कि लगन केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने से यह शुभता भी देगा, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होगी। करेक्ट। ये नहीं कि शुक्र है स्वराशि है तो मुझे तो बहुत धन धान्य ऐश्वर्य मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब केंद्र में स्थित ग्रह स्वग्रही उच्च के हों तो समृद्धि देते हैं, वो हमने अभी देखा, और महापुरुष योग भी बनाते हैं, वो भी बनता हुआ देखा, किंतु मैं कहूंगी इस व्यक्ति को लाइफ में संघर्ष मिला होगा, क्योंकि इस शुक्र ने लगन में बैठ के, क्योंकि यह योग बनाया है, तो यह योग उतना प्रभावशाली नहीं रहा राहु केतु एक्सिस में होने से, और कम हो गया। अब यदि केंद्र में स्थित ग्रह अशुभ हो, उच्च के भी नहीं हो, स्वग्रही भी नहीं हो, तो वह जीवन में कष्ट देते और परेशानियां देखने में या परेशानी देने में वो दुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा है, वह किसी त्रिकोण का स्वामी नहीं है, केंद्र में बैठा पापी ग्रह है, पापी ग्रह से दृष्ट भी है, शनि से दृष्ट है, और यह शनि भी केंद्र में मूल त्रिकोण राशि में होके बली है। अब ये केंद्र कौन सा केंद्र है? दशम भाव, तो यहां शनि बली है शुक्र से भी अधिक, चाहे वह शुक्र शुभ ग्रह है, किंतु यहां शनि स्वराशि मूल त्रिकोण का दशम भाव के केंद्र में होकर और त्रिकोण का स्वामी होकर अत्यंत बली है, स्ट्रॉन्ग बली है, और वह मंगल को भी पूरी तरीके से पीड़ित कर सकता है। यहां मंगल जो केंद्र में बैठा है पापी ग्रह है, ना तो स्वराशि है ना ही उच्च का है, मित्र की राशि में है, तो यह मंगल
चतुर्थ भाव में बैठा है, माता को कष्ट देगा। चौथे घर की एजुकेशन का भाव भी है, तो उसकी शुरुआती पढ़ाई में दिक्कतें और परेशानियां आएंगी। चौथे भाव से मिलने वाले सुख के लिए यह अत्यंत संघर्ष देगा, जीवन में अत्यंत संघर्ष मिलेगा। अशुभ ग्रहों के लिए फिर सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? यदि केंद्र और त्रिकोण भी नहीं, तो कौन सा स्थान है जो अशुभ ग्रहों के लिए अच्छा हो सकता है? तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, और मेरे गुरु जी भी कहते हैं, मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी भी कहते हैं कि यदि अशुभ ग्रहों की स्थिति देखनी हो, 3, 6, 11 भाव में उनका स्थित होना बहुत बल देता है। आपको संघर्ष करने के बाद उस मेहनत का फल मिलता है। अशुभ ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो तो आपको शुभता देंगे, लेकिन संघर्ष के बाद, यानी आपको उसका स्वाद भी मीठा मिलेगा जो आपने मेहनत की है, जो आपने संघर्ष किया है। तो अब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर इन भावों में स्थित होंगे कौन? 3, 6, 11 भाव के स्वामी, यदि ये केंद्र और त्रिकोण के भी स्वामी है तो इन भावों में स्थित होंगे तो शुभता लेकर आएंगे। 11वें भाव का स्वामी केंद्र में आएगा तो शुभता लेकर तो आएगा, लाभ लेकर आएगा, उसे बढ़ा भी देगा। किंतु यदि अशुभ ग्रह के स्वामी इन भावों में स्वराशि होकर स्थित होंगे, किन भावों में? 3, 6, 11 त्रिषडाया भाव में। यदि ग्रह स्वराशि है, उच्च का है, तो वह अपनी अशुभता को भी बढ़ाएंगे, यानी आपके संघर्ष को भी बढ़ा देंगे। ये याद रखिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो है वह आपको शुभता तो देते हैं, पर किन परिस्थितियों में? अब आप कहेंगे, हमने सुना है केंद्र में बैठे ग्रह अपना मौलिक स्वभाव भूल जाते हैं, लेकिन केंद्र में बैठे वही ग्रह अपना मौलिक स्वभाव भूलेंगे जो केंद्र के स्वामी होंगे। अपने मौलिक स्वभाव से वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जिस प्रकार से यह शनि है, पापी ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर बलि केंद्र में बैठा है, तो यह शुभता में बदल जाएगा, अत्यधिक शुभता देगा। किंतु यह मंगल जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी नहीं है, 12वें घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी होकर विवाह के कार्य में अड़ंगा देगा। विवाह करने में, कराने में इन्हें सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी। परेशानी आ गई। व्यक्ति एक तो शनि की दृष्टि जो शुभ हो गया, दशम में बैठ के बलि हो गया, अपने नैसर्गिक स्वभाव में शुभ हुआ है, चाहे उसने अपना फल जो देना है अशुभता का भूल गया, लेकिन है तो धीमा प्लेनेट, वक्री भी है, तो सप्तम भाव को जो वो देखेगा, सप्तमेश को भी देखेगा, तो वो विवाह में देरी अवश्य कराएगा। देरी के बाद जो विवाह देगा वो शुभ हो जाएगा, ये हो सकता है, किंतु नेचुरली वो धीमा प्लेनेट चलने वाला उसको नहीं भूलेगा, जल्दी शादी नहीं होने देगा। अब कुंडली का बल कैसे देखें? जिस कुंडली में केंद्र में शुभ और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह बैठे हो, बलि होंगे, यह हमने अभी देखा। ऐसे जीवन व्यक्ति जीवन में शुभता, मेहनत और संघर्ष में विजय पाकर उन्नति पाते हैं। ये सूत्र जो छोटा सा है,
लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो कुंडली के फलित करने में कहीं नहीं चूकेगी। क्या है? जिस कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 12 भावों में अशुभ ग्रह हो, वह कुंडली बली होगी, सक्षम होगी कि ऐसा व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो उसे उन्नति मिले, प्रगति हो। ये पहला उदाहरण देखें, संजय दत्त की कुंडली का है। इस उदाहरण में देखें, केंद्र में केंद्र का स्वामी लग्नेश दशम भाव में बैठ के बली हो गया, अशुभ ग्रह है, लेकिन स्वराशि नहीं है, उच्च का नहीं है। ये दो हमने जो अभी पढ़े ये दोनों नहीं है, बशर्ते वो बली हो गया, बशर्ते मंगल अपने घर को देख के भी बली कर रहा है, और केंद्र के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है, केंद्र के ही स्वामी शुक्र के साथ, और शुक्र भी सप्तमेश होके दशम भाव में ना तो स्वराशि है ना तो उच्च का है, शुक्र शत्रु राशि में है, मंगल मित्र राशि में है, लग्नेश और सप्तमेश होकर करम भाव के यानी कुंडली के बली केंद्र में बैठे हैं। अब इसका प्रभाव अगर आप देखें तो स्वयं संजय दत्त ने अपनी जबान से या अपनी फिल्म में या मीडिया के माध्यम से बहुत बार कहा है, उनके अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रहे हैं जो कि गिनती भी नहीं है। यह शुक्र और मंगल करम भाव में ज्यादा बली होके उस प्रभाव को राजयोग में बदल रहे हैं जो कि नैतिकता का पतन है, जो हमारे समाज में मान्य नहीं है। अब यहां पे देखे 3, 6, 11 में से 11वें भाव में राहु है, और राहु का स्वामी भी अपने से 11वें में चला गया। 11वें भाव का स्वामी 11वें से 11वें में सूर्य और बुध के साथ, यानी ये राहु इसने इन्हें आगे जीवन में संघर्ष दिया। राहु केतु पंचम भाव को देख रहे हैं और राहु पर शनि की पाप दृष्टि भी है, शनि पाप दृष्टि से जो देख रहा है वो तृतीयेश है, तीसरे घर का स्वामी। तो शनि और राहु ने इन्हें जेल का बंधन भी दिया, नशा भी दिया और नशे से मुक्ति भी करवाई, हालांकि इतनी अभी भी नहीं हुई, या इसके बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है, किंतु आप उसका प्रभाव देखें कि किस प्रकार का संघर्ष, किस प्रकार से रंग लाया, किस प्रकार का योग, किस प्रकार के रंग लाया। दूसरी कुंडली ये बिल गेट्स की कुंडली है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्वराशि के बुध के साथ, तो यहां पे जो मंगल है वह स्वराशि नहीं है, उच्च का नहीं है, शुभ ग्रह उच्च का है, चतुर्थ भाव जो है केंद्र के बल का 50% है। 50% बल में बुद्धि मंगल के साथ यानी संघर्ष के साथ सुख भाव में है, चतुर्थ भाव माता का संघर्ष भी दिखाता है और जातक का संघर्ष भी दिखाता है। तो इसका देखें आप, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बिल गेट्स ने ऊंचाई पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तीसरे भाव में बृहस्पति शुभ ग्रह है और छठे भाव में राहु, राहु षष्ठेश जो है मंगल चतुर्थ भाव में छठे भाव के लिए शुभता लेने के लिए केंद्र में गया उच्च के बुध के साथ, और कंप्यूटर की लाइफ में कितना बड़ा नाम, मिलेनियर बन गए। यहाँ पे त्रिशराया का स्वामी जो 11वें का भी था छठे का भी था वह केंद्र में बैठा है,
चतुर्थ भाव में बैठा है और यहाँ बैठकर संघर्ष से उन्नति दिखा रहा है। संघर्ष से उन्नति। अब सबसे अच्छा एक और योग देखें, त्रिकोण में शुक्र, यहाँ पे मंगल बुध भी शुभता 50%, क्योंकि बुध यहाँ उच्च का है, स्वराशि है, और शुक्र यहाँ स्वराशि है, और पाप ग्रह शनि उच्च का है, त्रिकोण में है और त्रिकोण का स्वामी भी है, वह नवमेश भी है। तो अति बल के स्वामी त्रिकोण में उच्च के पंचम भाव में बैठ गए, नवम से नवम भावत भाव में मित्र राशि सूर्य के साथ, मित्र राशि शुक्र के साथ और सूर्य नीच के, सूर्य और शनि क्योंकि शनि उच्च के हैं और सूर्य जो त्रि एक और त्रिशदाय के तीसरे भाव के स्वामी, तो वह भी त्रिकोण में बैठकर संघर्ष से उन्नति दिखाते हैं। तो बिल गेट्स ने ये जो नाम कमाया है इसमें बहुत संघर्ष भी रहा है, ये हमें इस चार्ट से दिखता है। धन क्यों मिला ये धन योग में बताऊंगी, फिर भी अगर आप देखें तो सेकंड लॉर्ड केंद्र के दशम भाव में बैठा है, शुभ ग्रह दशम भाव में बैठा है, वह धन का स्वामी है और सबसे बली दशम भाव में बैठा है। ठीक है, अपने भाव से नवम त्रिकोण में बैठा है, अगर आप इस प्रकार भी देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब केंद्र और त्रिकोण की एक और बात बता दूं, यदि चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो बहुत अच्छे फल देगा, यदि नवमेश दशमेश का संबंध हो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लग्नेश पंचमेश या नवमेश का आपस में संबंध हो इसके भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, किंतु यदि चतुर्थेश और नवमेश का संबंध हो तो ये उतनी शुभता नहीं दे पाता, क्योंकि यह 6-8 का संबंध भी है, तो माता या पिता में से किसी को कष्ट तो अवश्य मिलता है। परिवर्तन योग में हो यदि चतुर्थेश नवम भाव में चला जाए तो माता को पिता बनना ही पड़ेगा, यदि नवमेश चतुर्थ में हो तो पिता को माता के समान संतान को संभालना पड़ेगा। यह परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं यदि यहाँ पे विपरीत या परिवर्तन योग भी हो। इसी प्रकार से काम काज के लिए दशम और पंचम की दशा या दशम और पंचम का संबंध आपको आपके व्यवसाय में अड़चने देगा। ये राजयोग जो है ये अड़चन भी देगा, क्योंकि यहाँ भी 6-8 का संबंध है, दशम से पंचम अष्टम है और पंचम से दशम छठा भाव है, तो ये जब इनकी दशा आती है, दशम में बैठे ग्रह दशम के स्वामी की ग्रह की दशा और पंचमेश की दशा आपको आपके नौकरी से भी निकाल सकती है, आपको जबरदस्ती नौकरी से निकाला जा सकता है, आपको ह्यूमिलेशन झेलना पड़ सकता है। तो ये ना कहें फिर कि केंद्र और त्रिकोण आपने शुभ बोला फिर ये अशुभ फल क्यों दे रहा है, तो इसका 6-8 का संबंध देखना भी आवश्यक है, इसे भी याद रखें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, आप सबका स्नेह और प्यार बना रहे इसी शुभकामना के साथ कि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन में आपके केंद्र के ग्रह शुभता लाएं और त्रिकोण के ग्रह भी महालक्ष्मी की कृपा बरसाएं। आप सबके लिए आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।